नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर जी। 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के द्वारा दमदार जीत से आगाज किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी खुशी की लहर है। वजह बताई जा रही है कांग्रेस इनके सहयोगी दल हैं उनके द्वारा जो जीत दर्ज की है, साथ ही तमाम जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके द्वारा जो जीत का परचम ले रहा है, उससे कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों में जो समाजवादी पार्टी है उसको भी बड़ा लाभ होगा। क्या कहते हैं, कुछ उनसे बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है नेताजी जो लगातार जीत दर्ज की है? देखिए, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उन्हें 2024 में भी और जो अब 7 राज्यों के 13 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 4 हमारे इंडिया गठबंधन की कांग्रेस, 4 TMC, 1 आम आदमी पार्टी और 1 DMK, 1 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को मात्र एकमात्र विधायक मिला है। मैं ये आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले सभी चुनावों में इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से अपने प्रत्याशियों को जिताकर 2027 में भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आज देश और प्रदेश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, बेईमानी और महंगाई के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे चुप्पी साध गए हैं जैसे उनके मुंह में गोंद भर दिया हो। क्या लग रहा है, जो बद्रीनाथ की जो सीट थी विधानसभा, उसमें काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारती हुई नजर आई, क्या लग रहा है? देखिए, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर पाएगी। चाहे भगवान बद्रीनाथ जी का धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, वहाँ की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों पर विश्वास जता रही है और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 300+ के साथ हम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक खड़ी हुई है और इन मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही सड़क पर, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, सभी संघर्षों को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चट्टान की तरह संघर्ष के लिए खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कुशासन और बेरोजगारी में काबू नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है, ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव का जो असर है 2027 के चुनाव जो होने वाले हैं उनमें पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि 2027 के आने वाले चुनाव में भी पूरा असर रहेगा और 2027 में तो ये मान लीजिए माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आंधी चलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 2024 में आंधी चली है, वो तो कई प्रत्याशियों को हमारे को, जैसे फर्रुखाबाद है, अलीगढ़ है, अमरोहा है, तमाम प्रत्याशियों को प्रशासन के लोगों ने जबरन हराने का काम किया है। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में 60 सांसद इंडिया गठबंधन के होते 60। क्या लग रहा है, जो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी में तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, आपस में मतभेद चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े फायदे की ओर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के नेता जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर के संसद तक उठाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, ये जनता की आवाज़ को उठाने का हर वक्त संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो छोटा किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, छात्रों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, या कोई सा मामला हो, मगर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ
कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 300 प्लस सीट जीत करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में जनता को, किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, सभी को बहुत बड़ा एक तोहफा माननीय अखिलेश यादव जी देंगे और बेरोजगारी पर काबू पाएंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी के द्वारा बताया गया, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी होने वाले उपचुनावों में बैकफुट पर आई है, कहीं ना कहीं 2027 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भी इसका खामियाना भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है, वो हार समाजवादी पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर 2027 के चुनाव में बड़े दावे किए, उनके द्वारा कहा गया है 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आगामी समय में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के द्वारा भाजपा पर जमकर तंज कसे और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.